शैम्पू से पहले तेल लगा लेंगे, सबसे अच्छा। लोगों ने यहाँ पर एक सैलून शुरू किया है, जो लोग हमारे अंदर बंदी हैं, जो इस प्रोफेशन से हैं, और इतने सारे लोग हैं, उनके बाल काटने के लोग तो चलिए ना। ये सिर्फ सैलून की बात नहीं करूँगा, हमारा जो मेन इनिशिएटिव है वो एजुकेशन का। हम लोग बहुत जल्दी यहाँ एक स्कूल शुरू करने जा रहे हैं, जो लोग आते हैं बिना प्रोफेशन के और जाएंगे प्रोफेशन के साथ, और उसको सबको मिलेगा जावेद हबीब का सर्टिफिकेट। एंड हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग एक महीने का कोर्स करने जा रहे हैं, जिसके अंदर वो पूरा सिखाएंगे कि बाल काटना साइंस कैसे हो सकता है, ताकि बाहर जब जाएंगे क्राइम से उनका दिमाग निकल जाएगा, उनका दिमाग जाएगा एक ही जगह, कैंची की पावर क्या है। तो मैं कैंची की पावर देना चाह रहा हूँ, रोजगार तो मिलेगा, जब बाहर जाएंगे कुछ काम करेंगे। सच्ची बात तो यार, एजुकेशन मिलेगा तो रोजगार ही मिलेगा, इसलिए मैंने बोला कि हमारी एजुकेशन की जो कैंची की पावर है ना, वो उनको ये सब भुला देगा। टीम काम करेगी? हाँ, मेरे लोग आ रहे हैं, मेरे नेक्स्ट वीक मेरे ट्रेनर यहाँ पर आ रहे हैं ट्रेन करने के लिए, एक ही जन आएगा, एक ही। और इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, इनिशियली इन्वॉल्व होंगे तो यहाँ का जो ट्रेनर होगा वो भी यहीं का आदमी होना चाहिए। तो पहले हम लोग ट्रेनर को ट्रेन करेंगे, बाद में वो ट्रेनर सब लोगों को ट्रेन करेगा। ऑफकोर्स मैं ट्राई करूँगा, मैं आता रहूँ, देखो उनका सर्टिफिकेट देना ज़रूरी है, उनसे बात करना ज़रूरी है, लेकिन मेन चीज़ बाल काटना नहीं है, उनका दिमाग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए काउंसलिंग चाहिए, उसके लिए शायद मेरा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होने। आपने किसी से बात किया? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेरे बाल काटे हैं, मेरे बाल काटे हैं, क्योंकि मैं सबसे पहला क्लाइंट मैं ही था आज। मैंने सबसे बात किया, मैंने उनसे पता किया कि वो क्या, उन्होंने कहाँ ट्रेनिंग किया है। बट आज मुझे लगता है कि यस, उनमें हुनर है, सर एक डायरेक्शन चाहिए, वो शायद मिल जाएगा। आगे डेली क्यों चुना आपने? नहीं, मैं तो सब जगह, मेरे तो स्कूल पूरी इंडिया में चल रहा है, स्क्रीन इंडिया में मेरे चलते हैं, 800 सालों चलते हैं, मेरी 60 अकेडमी चलते हैं, हम लोग 10,000 लोग ट्रेन करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हर इंसान जिसको जिसके पास कोई प्रोफेशन नहीं है, कैंची अच्छा प्रोफेशन नहीं है। आगरा में जिला कारागार में जो कारागार अधीक्षक हैं, उनके बहुत ही सुंदर प्रयासों के फलस्वरूप आज यहाँ देश के जाने माने जो हेयर स्टाइलिंग और हेयर प्रोफेशन से जुड़े हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जावेद हबीब साहब, वो यहाँ आए हैं। इसका बहुत अच्छा पर्पज़ है, यहाँ जेल में ट्रेनिंग करके जो क्राइम में इन्वॉल्व लोग हैं, अगर उनको हम अल्टरनेट प्रोफेशन दे दें, उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कर दें, तो वो जेल के बाहर जाकर के आपके सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हुए अपनी आजीविका, नए अपना जीवन एक नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। इससे बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन भी मिलेगा। जेल